अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4। और टॉपिक हमारे पास है आज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में आपने डिस्कस किया था पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या थी? जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन एरिया टू लोअर कंसेंट्रेशन एरिया अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहाँ पे किसी भी तरह की एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन। सिंपली से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की शक्ल में, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मॉलिक्यूल्स का लोअर एरिया कंसेंट्रेशन एरिया से हायर कंसेंट्रेशन एरिया तरफ मूव करना, दिस वन इज नाउन एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बट नाउ व्हाट इज द एटीपी? एटीपी बेसिकली कहा जाता है एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी। और बेसिकली वन मोल ऑफ एटीपी गिव्स 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी। आपका एक एटीपी का मोल 7.3 किलो कैलोरीज या 7300 कैलोरीज एनर्जी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। और इस एनर्जी को यूज करते हुए मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, दिस इज नाउन एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरियर प्रोटीन के बारे में, तो बेसिकली कैरियर प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हमने प्रीवियस टॉपिक्स में सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, और सेल मेम्ब्रेन में आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्कस किया जिसमें के लिपिड्स की बाइलेयर थी, और लिपिड्स की बाइलेयर जैसे आप यहां देखें तो लिपिड्स की बाइलेयर है, और उसके सेंटर में यहां पे टू प्रोटीन्स मॉलिक्यूल थे इन द एम्बेडेड फॉर्म। अब ये जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं, दीज आर द कैरियर प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दिस वन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर मूव द मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब आपके सेल मेम्ब्रेन के अलोंग जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम लोअर एरिया टू हायर एरिया कंसेंट्रेशन एरिया, तो बेसिकली यहां पे जो कैरियर प्रोटीन है, दिस कैरियर प्रोटीन इज प्ले द रोल टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर एरिया कंसेंट्रेशन टू हायर एरिया कंसेंट्रेशन। तो ये हमारे पास क्या, बेसिकली दिस वन इज अबाउट द कैरियर प्रोटीन, कि यहां पे सेल मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन क्या रोल प्ले करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जांपल के बारे में, तो सोडियम पोटेशियम पंप, बेसिकली हमारी बॉडी में नंबर ऑफ डिफरेंट सेल्स हैं, उनमें से एक हमारे पास है नर्व सेल्स। तो मेम्ब्रेन्स ऑफ नर्व सेल्स हैव कैरियर प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप के फॉर्म में आपके पास यहां पे जो कैरियर प्रोटीन है वो अपना काम करेगी। एंड व्हाट इज द नर्व सेल्स? बेसिकली नर्व सेल्स कहा जाता है ऐसे सेल्स व्हिच वन रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्ट और कैरी द नर्व इंपल्स फ्रॉम नर्वस सिस्टम टू बॉडी एंड वाइस वर्सा। मतलब हमारे नर्वस सिस्टम से, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन का हमारे बॉडी पार्ट्स तक आना, बॉडी पार्ट्स से वापस नर्वस सिस्टम तक जाना, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है कौन कैरी करेगा? नर्व सेल्स, व्हिच वन आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स में जो सोडियम पोटेशियम पंप है, दिस वन इज एक्ट एज अ कैरियर। और नेक्स्ट हमारे पास है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बेसिकली नर्व सेल्स आर फेस द टू कंडीशंस। फर्स्ट वन, एक वो जब आपकी बॉडी में नर्व सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, दे आर इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग द नर्व इंपल्स थ्रू ओवर द बॉडी, तो दे आर नाउन एज द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन जब ये कोई भी नर्व कंडक्ट नहीं कर रहे होंगे, नॉन कंडक्टिंग नर्व इंपल्स, मतलब जब ये किसी भी तरह के नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहे, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या नाम देंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए
एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरह से अपना रोल प्ले करेगा। बेसिकली यहाँ पर आपको एक सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है और दिस इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल, ये नर्व सेल की सेल मेम्ब्रेन है जिसमें ये हमारे पास लिपिड्स की बाइलेयर है और यहाँ पे आपको टू प्रोटीन मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं व्हिच वन नोन एज द कैरियर प्रोटीन और ये लिपिड्स की बाइलेयर है और ये सेल का इनर साइड इनसाइड ऑफ सेल एंड दिस वन द आउटसाइड ऑफ सेल। अब होता क्या है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान आप क्या करेंगे पोटेशियम आयंस की कंसेंट्रेशन को इनर साइड पे इंक्रीज करेंगे और सोडियम आयंस की कंसेंट्रेशन को आउटर साइड पे इंक्रीज करेंगे। जब सोडियम आयंस की कंसेंट्रेशन आउटर साइड पे ज्यादा होगी और पोटेशियम आयंस की कंसेंट्रेशन इनर साइड पे हम ज्यादा करेंगे इंक्रीज करेंगे तो इस तरह से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कर पाएगा। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि ड्यूरिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपके पास जो सोडियम आयंस है वो मूव करते हैं inside to outside from lower concentration area to higher concentration area और potassium ions move करते हैं outside of cell to inside। अब outside of cell इनकी concentration कम है और inside of cell इनकी concentration क्या है ज़्यादा है। तो molecules potassium ions are basically move from low concentration to high concentration and sodium ions move from low concentration to high concentration और ये ट्रांसपोर्ट ये जो आयंस की मूवमेंट है दिस वन इज डन बाय यूजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पोटेशियम और सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा और इन्हें मूव करवाएगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन और इस तरह से यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस परफॉर्म होगा और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने में रोल प्ले करेगा। So this one is about the active transport. The active transport क्या है? उसमें carrier protein का role क्या है? उसकी example क्या है? उसके बाद resting membrane potential क्या होता है? इसको diagram की मदद से हम explain करेंगे। और ये question आपका important long question भी है। तो अगर long question आता है, तो हम जारी उसको ऐसे attempt करेंगे। First definition, then role of carrier protein, then sodium potassium pump as an example. उसके बाद resting membrane potential इसकी wording करेंगे और साथ में ये आप diagram करेंगे और ये आपका topic complete। तो दिस वन इज अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।